YouTube फैमिली यार कैसे हो आप लोग। आई होप आपकी बहुत ही मस्त होंगे। तो मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ Instagram ट्रेंडिंग वीडियो। तो स्क्रीन में देख सकते हो मेरी फोन की वीडियो, और हमने इस वीडियो को काइन मास्टर के अंदर ले जाके एडिटिंग किया, कुछ प्रकार से बना दिया। तो गाइस ऐसा वीडियो आप भी बना सकते हो बिल्कुल, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो को अगर आप बिना इसके फुल वॉच कर लोगे ना, तो आप इस प्रकार का वीडियो एडिट करना सीख पाएंगे। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करके और पास में घंटे का उसको भी ऑल में कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फाइनली दोस्तों आज का मेरे फोन के होम स्क्रीन में, और आ जाने के बाद गाइस आपको काइन मास्टर को ओपन कर लेना है, ठीक है मेरे भाइयों। तो काइन मास्टर को जैसे आप ओपन करोगे ना, तो आपके सामने कुछ प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है मेरे भाइयों। तो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा कुछ इस प्रकार सा प्लस वाला आइकन, तो प्लस वाला आइकन में आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है मेरे भाइयों। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से साइज ले लेना है, ये 9.16 वाली, ठीक है मेरे भाई। इसमें आपको क्लिक कर लेना है, इसमें जैसे क्लिक करो ना आपके सामने गैलरी भी आ जाएगी गाइस, और जहाँ पर आपका रियल वीडियो ने उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं फाइनली वीडियो को ले लेता हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो ये रहा मेरा वीडियो, तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे आप प्लस में क्लिक करते हैं ना, आपके सामने गाइस आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, और जहाँ पर भी आपका वीडियो ना, तो उसको बाद में लेना है आपको। पहले मैं यहाँ से एक वीडियो ले लेता हूँ, तो ये वीडियो की लिंक आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से अगर वीडियो को डाउनलोड कर लेना, ठीक है मेरे भाइयों। तो इस वीडियो को लेने के बाद कुछ इस प्रकार का वीडियो देख सकते हो गाइस, ठीक है मेरे भाइयों। तो इसको लेने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है आपको, ठीक है मेरे भाइयों। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से मीडिया में क्लिक कर लेना है, ठीक है। मीडिया में क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से गैलरी ओपन हो जाएगी, तो आपको यहाँ से जो हमारा रियल वीडियो है उसको आपसे सेलेक्ट कर लेना है। तो फाइनली मैंने वीडियो सेलेक्ट कर लिया गाइस, और इस वीडियो को यहाँ से इसको बड़ा कर लेना है, ऐसे पकड़ कर इसको देख सकते हो गाइस, कुछ इस प्रकार से बड़ा कर लेना है, ठीक है मेरे भाइयों। इसको यहाँ रखने के बाद आपको पहले तो ये एक्स्ट्रा पार्ट आ गए, तो इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से। तो इसमें मैं क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कैंची वाला आइकन देने मिलेगा, कैंची वाले आइकन में क्लिक कर लेना है, और यहाँ से ये नीचे वाला आइकन है इसमें आपको क्लिक कर देना है, ये इधर से कट हो जाएगा। फिर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है वापस पेस्ट में से, और ठीक है मेरे भाइयों। तो जो अपनी वीडियो ने इसमें आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ प्रकार से ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, तो आपको स्क्रॉल करना नीचे की तरफ मेरे भाइयों, और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने मिलेगा स्क्रॉल करके ना, और आपको यहाँ पर देखने मिलेगा ब्लेंडिंग, देखना है मेरे भाई, ब्लेंडिंग ओएस चेंज के नीचे ब्लेंडिंग। तो आपको ब्लेंडिंग में क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको देखने मिलेगा नीचे की तरफ ओवरले और मल्टीप्लाई। तो आपको क्या करना है, यहाँ से मल्टीप्लाई में आपको क्लिक कर देना है, ठीक है मेरे भाई। मल्टीप्लाई में जैसे क्लिक करोगे ना, हमारा वीडियो कुछ ही प्रकार का हो जाएगा। होने के बाद फाइनली आपको यहाँ से राइट में क्लिक कर देना है दोस्तों, ठीक है। राइट में क्लिक करने के बाद अपनी वीडियो में क्लिक कर लेना है, और स्क्रॉल करना नीचे की तरफ, और आपको यहाँ पर देखने मिलेगा गाइस एडजस्ट वाला टूल, ले लो गाइस, इसमें आपको क्लिक कर देना है, ठीक है मेरे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कंट्रास्ट है ना, कंट्रास्ट को आपको हल्का सा बढ़ा लेना है, ठीक है मेरे भाई। इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाना है गाइस, इसको एक प्लस कर लेना है, ठीक है मेरे भाई, कंट्रास्ट को। और फाइनली आपको यहाँ से कर देना है राइट, ठीक है दोस्तों। राइट करने के बाद आपको यहाँ से जाना है फिर से इसी वाले ऑप्शन में, ठीक है मेरे भाई। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ से मीडिया में क्लिक कर लेना है गाइस, और यहाँ से एक वीडियो और ले लेता हूँ मैं सॉन्ग वाली, ठीक है। तो वो भी बता दूंगा आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो यहाँ से मैं वीडियो को ले लेता हूँ फटाक से, तो ये सॉन्ग है गाइस, ये हमने ले लिया है, ये देख सकते हो गाइस यहाँ स्क्रीन में। और इसको आपको यहाँ इसको पकड़कर इस प्रकार बड़ा कर लेना है, और इसको यहाँ रख लेना है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ रख लेना है कुछ इस प्रकार से, जो अपना जो सॉन्ग है ना गाइस, इसमें आपको क्लिक कर देना है, ठीक है मेरे भाई। हमने जो सॉन्ग लिया है ना, इसमें आपको क्लिक कर देना है, और आपको इधर ऑप्शन आएंगे ना, स्क्रॉल करना मेरे भाइयों, और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फिर से ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग देखने मिलेगा ना। तो आपको इसको क्या करना है, इसको स्क्रॉल करना, और आपको यहाँ पर स्क्रीन देखने मिलेगा, स्क्रीन कर देना इसको, ठीक है मेरे भाइयों। स्क्रीन करने के बाद आपको फाइनली यहाँ से राइट वाला आइकन में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वीडियो को चला के देख सकते हो गाइस, बन के हमारा वीडियो तैयार हो चुका है। वीडियो को चला के दिखा दो तुमको, तो दोस्तों हमारा वीडियो कितने अच्छी तरीके से बन चुका है। बनने के बाद इसको डाउनलोड करने के लिए गाइस आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है मेरे भाइयों। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट में क्लिक कर देना है, ये गैलरी में सेव हो जाएगा। यहाँ से आप साइज ले लेना, आपको यहाँ से 10.80p रख लेना, और यहाँ से 15 कर देना,
और इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है, गैलरी में सेव हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से लाइन आएगी तो ये पूरी भरने के बाद गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना गाइस, और ऐसी वीडियो देने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत। तो वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर दोनों वीडियो को डाउनलोड कर लेना, ठीक है मेरे भाइयों।